दोस्तों, अडेनियम तो ऐसे गर्मियों का प्लांट है, लेकिन इस समय भी मिट्टी अगर सही ना हो तो काफ़ी सारी परेशानियां आती है। इसमें गर्मियों का प्लांट तो है, पर इसमें वाटरिंग का सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है और वाटरिंग के चलते इसके प्लांट मरते हैं। जो रियर वैरायटी होता है उसे मतलब बचाने के लिए तो इसमें थोड़े मिट्टी को स्पेशल बनाना पड़ता है। तो ये मिट्टी मैंने एक एक्सपर्ट के हिसाब से बनाया है, जो काफ़ी पहले से अडेनियम को ग्रो कर रहे हैं और वो सेल भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया था, जैसे रियर प्लांट होते हैं, DHA मेडूसा है, नोबा तंजानिया है, तो इसके लिए कुछ मिट्टी थोड़ा अलग बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने मिट्टी को बनाया है। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको ये कहानी समझ में आएगा कि इसमें क्या मतलब इस मिट्टी का खासियत है या क्या इसके नुकसान है, क्योंकि इसका मैं फुल अपडेट भी देने वाला हूँ कि इस सॉइल में अपना प्लांट कैसे चल रहा है, कितने दिनों में कैसा ग्रोथ आया है, अपने जो वाटरिंग जब आते समय प्लांट सिंक हो जाता है, उसके स्टेम सिंक हो जाते हैं, तो वो रिकवर होने में कितना टाइम लेता है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन है काफ़ी सारे इस वीडियो में। उन्होंने मुझे ये इस सॉइल के बारे में बताया था, तो मैं उनके हिसाब से ये मिट्टी बना रहा हूँ और मैं इसका फुल अपडेट दूंगा आपको। अपडेट देने का मतलब यूँ है कि इस मिट्टी में कैसा ग्रोथ आया है, कितने दिनों में आया है, प्लांट कैसे चल रहा है। और मैंने खुद ट्राई किया पहले और उसके बाद आपको ये बना के आपको बता रहा हूँ कि मेरे प्लांट कैसे चल रहे हैं, और वो मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने प्लांट भी उन्हीं से ख़रीदा हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि आप इस सॉइल में अगर लगाएंगे तो ये प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रोथ करना चालू कर देगा, और जो ये सिंक होता है, इसके जो स्टेम सिंक होने लगते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। इसके लिए मैंने लिया क्या क्या है आपको बता दूं, तो वुड चारकोल और रिवर सेंड, और ये जो गमले में आप देख रहे हैं ये है जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आपके सामने ये हैं। लेकिन उसमें उनके अलावा उन्होंने जो मुझे बताया था उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना गार्डन सॉइल मिक्स किया है। उन्होंने गार्डन सॉइल के लिए नहीं बोला था, लेकिन मैंने एकदम मामूली सा गार्डन सॉइल इसमें डाला हुआ है। गार्डन सॉइल एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि छोटे सीडलिंग के लिए गार्डन सॉइल हल्का होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हम जो भी मतलब खाद डालते हैं, अलग से केमिकल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो पानी के साथ धुल के बाहर नहीं जाता है, मिट्टी रहता है, तो उसमें हल्का हल्का सा रुकता है। ऐसा नहीं हो कि हमने आज खाद डाला, अगले दिन पानी डाले तो बाहर हो जाए। तो रिवर सेंड और वर्मी कंपोस्ट और ये जो है गार्डन सॉइल का मिक्सर मैं बनाऊंगा। जो मोटे कंकड़ है उसे हटा देंगे, लेकिन जो बारीक कंकड़ है उसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो इसमें रहेगा। वो एक तरह से आपके जो है सिंडर का काम करता है और मतलब एयर सर्कुलेशन काफ़ी बनाए रखता है, रूट बढ़िया डेवलप होता है इसमें। और जो पानी जमा होने वाली बीमारी होती है कि अडेनियम में आपका पानी जमा होने के चलते रूट डैमेज हो गया इसका, तो वो नहीं होता है। देखिए, इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पहले मोटे मोटे कंकड़ों को मैं चुन के हटा दूँ, छोटे वाले इसी में रहेंगे, और मैं इसमें मिला देता हूँ। शाम के समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे यहाँ अंधेरा हो गया है, फिर भी आपको वीडियो देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा दिखे। कुछ जगह आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन वो आगे चल के ये वीडियो सही हो जाएगा। मैंने देखा हुआ था, मैंने स्टैंड पे लगाया था, पर पता नहीं कैसे ये ब्लर हो गया। और मिट्टी तैयार करके हम 5-7 दिन के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सॉइल बनाया और डायरेक्ट इसमें हमने प्लांट को लगा दिया, तो तैयारी पहले कर लीजिए। तो फटाफट से इसे गमले में भर लेता हूँ मैं, और देखिए ये गमले में भर के मैंने पानी डाला हुआ था, और पानी डालने के मतलब 3 से 4 मिनट बाद इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचा है। मैंने पानी डाला, एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से ये निकल गया है, और मिट्टी देखिए कितना बढ़िया गीला रह गया है। ये अगले दिन का वीडियो है, इसकी मिट्टी तैयार करें। तो जब आप अडेनियम ऑर्डर करते हैं तो उसी समय आप इसे मिट्टी को बना के तैयार कर लीजिए, जैसे प्लांट आए आप उस समय हाथों हाथ इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा प्लांट आने के बाद हम इसे फंगीसाइड वाले पानी में ड्रिप कर दिए हैं। 4-5 घंटे इसको तो हम इसमें रखेंगे, 4-5 घंटे बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हल्का सा जैसे हमने 4-5 घंटे इसे पानी में, फंगीसाइड वाले पानी में ड्रिप किया है, तो घंटे भर के लिए हम इसे कम से कम सुखा भी लेंगे कि जो इसके ऊपर जो पानी है, पत्तों के ऊपर जो पानी है, प्लांट जब हल्का सा सूख जाएगा उसके बाद फिर हम इसे रिपोर्ट कर देंगे।
तो आइए फटाफट से इसे रिपोर्ट कर लेते हैं। आइए अब देखिए, इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हल्का सा हाथों से इसमें से मिट्टी हटाएंगे, प्लांट को रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे, जड़ों के पास बिल्कुल नहीं दबाएंगे, क्योंकि इसके जो रूट हैं और इसमें जो सिंडर है, सिंडर टाइप के जो कंकड़ हैं वो इसके तने में चुभ जाएंगे या जड़ को तोड़ देगा। तो इससे मिट्टी को हटा के प्लांट को रखेंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे, वाटरिंग करेंगे तो ये मिट्टी बराबर हो जाएगा। एडेनियम के लिए ऐसा कुछ एयर पॉकेट जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, और जब हम सिंडर जैसे मिट्टी में रेत में उगा रहे हैं तो इसमें आप समझ लीजिए कि पानी डालते ही बिल्कुल जो है फिट हो जाता है। तो फटाफट से आइए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये DHM मेडूसा है, इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। तो इसके रूट सिर्फ हम जो है मिट्टी से कवर करेंगे, और जो स्टेम है इसका, जो इसका तना है, उसे हम बिल्कुल मिट्टी के अंदर नहीं जाने देंगे, सिर्फ इसके रूट को ढकेंगे। और इसमें है मैंने जो मंगाया हुआ है वो है मेडूसा के 3 प्लांट है, और 2 है नोवा तंजानिया, और 5 सीडलिंग है जो अरेबिकम का आता है, स्वाजिकम नहीं है। और इन सबको रिपोर्ट करेंगे आराम से। देखिए किस तरह से मैं मतलब मिट्टी को सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दबा रहा हूँ। मिट्टी जो है तने के बाहर है, जो तने से दूर है उसे हम दबाएंगे, लेकिन जो तने के पास है उसे नहीं दबाएंगे। जो तने के बाहर है, ये देखिए मैं कैसे दबा रहा हूँ, ये जो है हम तने से दूर वाले मिट्टी को दबा रहे हैं, तने के पास सिर्फ हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। और प्लांट इसमें पत्ते जो हैं ये तो झड़ जाएंगे, प्लांट के जो पत्ते काफ़ी सारे पीले भी हो रहे हैं, और जैसे ये रूट्स ट्रांसप्लांट का जो शॉक लगेगा, इससे इसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे, पीले होकर गिर जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे कटिंग करके हटा सकते हैं, और नहीं हटाएंगे तो ये अपने आप हट जाएगा, लेकिन प्लांट के ऊपर थोड़ा सा लोड आता है। मैं तो नहीं हटाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। और सारे प्लांटों को एक एक करके हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट से। देखिए अब हम इसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। इसमें अगर मोटे कंकड़ आए तो इसे हम हटा लेंगे, और आइए इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। ये अपना सेकंड वाला है मेडूसा DHA। इसमें अलग अलग है, DHA में भी 2-3 वैरायटी है, उन्होंने अपना कोडिंग कर रखा है, कोड लगा रखा है। उनसे मैं कन्फर्म हो लूँगा कि किसका क्या मतलब है, उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि इस प्लांट के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने DHA सुना हुआ था, देखा हुआ है, लेकिन ये हो गया। अब आइए नोवा तंजानिया को भी वैसे के वैसे ही करेंगे। इसके जो स्टेम है इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो आप ये देख रहे हैं प्लांट, ये बिल्कुल जो ये रेड कलर का है नोवा तंजानिया, और इसे भी इसमें रूट्स तो है नहीं, रूट्स जो इसके जो बाल के तरह आते हैं, फिटिंग रूट जो होता है, ये इसके अंदर नहीं है, उन्होंने प्रून करके भेजा हुआ है। और इसे है बिल्कुल सीधा उगाएंगे। बहुत सारे लोग तो इसे ऐसा भी करते हैं कि ऊपर कुछ बोतल रख के उसमें उगाते हैं कि इसके रूट बिल्कुल सीधा नीचे तक जाए, लेकिन अभी प्लांट अपना काफ़ी छोटा है तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और है जैसे रिपोर्ट करके और साल भर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि साल भर तक इसके रूट नीचे जाने जितने जगह काफ़ी है इसके अंदर, तो उस हिसाब से अपना ये प्लांट सीधा जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा होगा तो इसी प्लांट में हम थोड़ा सा ऊपर सरका के वापस लगा देंगे। ये प्लांट आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीधा मैंने लगाया हुआ है, और साइड से मिट्टी को दबा रहा है, तने के पास से नहीं दबा रहा है। अपडेट वीडियो में अभी इसी वीडियो में आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगा कि कैसा है। मिट्टी देखिए बिल्कुल, रात को मैंने पानी डाला था, और अभी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मिट्टी लग रहा है, उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि बिल्कुल कीचड़ जैसे नहीं। अब देखिए ये जो अपने पास अरेबिकम है, इसमें हम करेंगे, इसके नीचे हम डालेंगे कुछ स्टोन पत्थर जो है डालेंगे, इससे क्या होगा रूट इसके फैल के आएगा, और इस पत्थर के ऊपर ही इसे लगाएंगे। पत्थर इस मतलब इसके रूट के नीचे हम पत्थर रखेंगे, जिससे इसके रूट चारों तरफ फैलेंगे, और इसके जो ऊपर मिट्टी डालेंगे तो इसके रूट है चारों तरफ से फैलेंगे। जैसे आपने देखा हुआ है कि जो एडेनियम के बोनसाई होते हैं उसमें रूट ट्रेन किया हुआ होता है, तो उस टाइप का हम इसकी तैयारी अभी से कर लेंगे। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी सारे पहले से पड़े हैं, लेकिन इसमें जितने भी ये सीडलिंग अपने पास हैं उसके पत्थर के ऊपर ही रख के, और हम ऐसा करेंगे कि इसके रूट जो हैं फैलते हुए जाए, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा ये प्लांट ग्रोथ ले लेगा फिर हम इसे रिपोर्ट करेंगे। इसे जो
लास्ट रिपोर्टिंग करेंगे वो हम कर देंगे अक्टूबर लास्ट में, जो नवंबर दिसंबर तक ये सेटल हो जाएगा और फिर उसके बाद डोरमेंसी में रहेगा। और जैसे ही अगला मतलब सीजन आएगा अपना जनवरी फरवरी का जो सीज़न आएगा, उसमें ये प्लांट काफ़ी मेच्योर हो जाएगा और इसके रूट जो हैं ट्रेन होंगे। आप चाहेंगे तो उस समय रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रूट ट्रेन करना चाहते हैं, रूट की इसके जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, रूट को बढ़िया दिखाने के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप हर 6 महीने पे इसकी रूट ट्रिमिंग कर सकते हैं और रूट को अपने हिसाब से इसके जो है ढाल सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। छोटे प्लांटों को छोटे छोटे थैलियों में लगाएंगे, इससे पानी ज़्यादा जमा नहीं होता है, फट से गीला भी होगा और फटाक से सूख भी जाएगा। तो ये छोटे छोटे सीडलिंग हैं और छोटे छोटे थैलियों में हम इसे लगा रहे हैं। सारे प्लांट का वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसे भी हम एक दो प्लांट में आपको दिखा देता हूँ, ऐसे 5 या 7 प्लांट अपने पास ये पड़ा हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हम पत्थर नहीं लगाते हैं तो है जैसे कि जैसे बिल्कुल सीधा सा रूट अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन हमने जब पत्थर लगा दिया तो इसके रूट साइड में फैलेंगे। तो उस हिसाब से अपने को ये 5 और 7 ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और देखिए ट्रांसप्लांट फटाफट से करके दिखाता हूँ मैं। ये अपने सारे प्लांट रिपोर्ट हो गए, अभी से मैं एक बार आपको दिखा दूँ फटाफट से। और ये देखिए ये सीडलिंग है, जो ये सीडलिंग 5 है और इसके अलावा मेडूसा और नोवा तंजानिया है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये नोवा तंजानिया है, इसमें पिंक और रेड है, और रिपोर्टिंग के बाद ये कंडीशन है। मिट्टी देखिए काफ़ी बढ़िया है। और ये मेडूसा पॉट है जो मैंने बड़ा नहीं लिया है, 3 या 4 इंच का है ये पॉट, और 4 इंच के पॉट में लगाया क्योंकि प्लांट मेरे सारे छोटे छोटे हैं। तो पॉट अपने प्लांट के हिसाब से लें आप, जैसे आपका अगर प्लांट बड़ा हो तो थोड़ा सा बड़ा पॉट ले लें, छोटा है तो छोटा। पानी हम इसमें एकदम मामूली समझ जाइए कि 1 घूंट डालूंगा। तो इसमें मैं एप्सन सॉल्ट, फंगीसाइड और थोड़ा सा सीविड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, ऐसे फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत नहीं है, पर मेरा जो प्लांट है थोड़ा सा मैं जब भी ऐसा करता हूँ रिपोर्ट तो थोड़े बहुत मैं इसमें मिला देता हूँ। इससे शायद प्लांट अगर कितनी बार ऐसा होता है कि हम ये डालते हैं तो जल्दी से रिकवर हो जाता है, मेरा सोचना है। बाकी ऐसे इसके अंदर कोई भी मतलब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो ये शौक में चले जाता है और कुछ भी ये खाना पीना मतलब नहीं लेता है। पहले अपने आप को रिकवर करने में ये अपना समय लगाता है, अपनी ताकत को लगाता है। तो देखिए पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ड्रेनेज होल से बाहर निकालेंगे इसका पानी, लेकिन हल्के हल्के 1 घूंट पानी लगभग चारों तरफ से देंगे कि इसकी मिट्टी बैठ जाए। और सबके साथ यही कंडीशन है, प्लांट जो है छोटे हैं और पॉट भी छोटा है, तो फट से पानी इसमें ड्रेन आउट होने के बाद से और सूखता भी जल्दी है और ये प्लांट जो भी है आप इसमें थोड़ा सा सावरिंग अगर आप शाम के समय कर देते हैं तो सावरिंग करने से हल्का हल्का सावरिंग करेंगे, ऐसे ऊपर की मिट्टी गीली हो नीचे तक ना जाए, बस इतना ही करना है। और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। 5-7 दिन बाद जब ये प्लांट ऐसा आपको लगे कि ये रिकवर होने लगा है, फिर उसके बाद से आप पानी हल्का हल्का देना चालू कीजिए। लेकिन इस पर गर्मी का मौसम है तो हल्का हल्का सावरिंग करेंगे आप तो प्लांट को काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए अब मैं अब इसका अपडेट दिखाता हूँ आपको कि ये 7-8 दिन बाद मेरे प्लांट का क्या कंडीशन है। 7 या 8 दिन हो गया है इस प्लांट को लगाए हुए, तो 8-10 दिन हो गया है, लगभग 10 दिन हो गया है, तारीख तो पक्का मेरे को ध्यान नहीं है। अब ये 10 दिन बाद का ये कंडीशन देखिए, ये यहाँ पे कुछ रोजी वैरायटी पहले से हैं, उन्हें भी मैंने रिपोर्ट किया था पर उसका वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी आपको, वो अलग किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए नोवा तंजानिया में नए पत्ते आने चालू हो गए, दोनों ही प्लांट में नए पत्ते आने चालू हो गए और मिट्टी देखिए कितना बढ़िया है। जो आप इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से 1-2 बार हिलने के चलते मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने सॉइल ऊपर से और डाला था, मल्चिंग किया था, क्योंकि इसे 2-3 बार की लहरियों ने हिला दिया था, फिर भी इसमें नए पत्ते आने चालू हो गए। ये मेडूसा है, मेडूसा भी अपना कोडेक्स जो है जो बिल्कुल सूख गया था वो ठीक ठाक अभी से रिकवर करने लगा है। और इसके साथ एक और मेरे पास है जो मैं आपको दिखा दूँ, एक ये है। लेकिन इन सबसे बेहतर एक प्लांट का मैंने पत्ता जो है सारे पत्ते मैंने हटा दिए थे, तो वो प्लांट मेरा अभी इसका कोडेक्स सही नहीं हुआ है, इसका कोडेक्स अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पिलपिला है।
लेकिन जो मैंने जिसके सारे पत्ते मैंने हटा दिए थे, देखिए इस प्लांट के मैंने सारे पत्ते हटा दिए थे और ये प्लांट काफ़ी बढ़िया नए नए पत्ते आने चालू हो गए। इसके कोडेक्स जो है वो भी एकदम कंप्लीट हो गया, जो सिंक हुआ हुआ था, जो पिलपिला सा था वो तैयार हो गया है। तो पत्ते हटाने का फ़ायदा ये है, मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाने के लिए उगाया था। दो प्लांट के तो मैंने पत्ते नहीं हटाए थे और एक का मैंने हटा दिया था। अब ये हटा जिसके पत्ते मैंने हटा दिए हैं वो जल्दी रिकवर हुआ है और उसमें नए पत्ते आने भी चालू हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप कुछ ऐसा बढ़िया लगे, अगर आप संभाल सकते हैं तो पत्ते रहने दीजिए और नहीं संभाल सकते हैं तो इन पत्तों को हटा दीजिए। ये छोटे सीडलिंग देखिए, इनमें भी नए नए पत्तियाँ आनी चालू हो गए हैं। ये भी जो मतलब इसके कोडेक्स गीला हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे प्रेस हो रहा है पानी, इसमें सड़ने जैसे कंडीशन में आया हुआ था। ये सीडलिंग आने में काफ़ी थोड़ा सा इस प्लांट को आने में दिक्कत हुआ था, लेकिन सब में नए पत्ते आने चालू हो गए और सारे के कोडेक्स बढ़िया हो गए हैं। मैंने इसे प्रेस करके देखा था, काफ़ी कंडीशन इसका बढ़िया हो गया है और आप देख सकते हैं ये बहुत जल्द तैयार होने